ज्योति कन्नौज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। फर्जी कंपनियों के खिलाफ कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कन्नौज में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश पालीवाल के नेतृत्व में कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में फर्जी कंपनियों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष ने मांग की कंपनियों ने करोड़ों लोगों का पैसा आरडी एफडी व अन्य योजनाओं में भारी मुनाफे का लालच देकर जमा कराया। गरीब के बाद सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने बेहतरीन भविष्य व बेटियों की शादी आदि के लिए अपनी मोटी कमाई सहारा में जमा कराई, जो निश्चित मियाद पूरी होने के बाद भी सालों से उन्हें नहीं मिल पा रही है। प्रदेश का कोई ऐसा जिले का क्षेत्र अछूत नहीं है जहां गरीब व सामान्य वर्ग के लोगों का पैसा सहारा में न फंसा हो। निवेशक पिछले 4-5 साल से लगातार इन कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं। सारा की शाखाओं में जाने वहां मौजूद लोग पैसा मिल जाएगा कहकर इसे टाल देते हैं। महिला धरना प्रदर्शन में मौके पर मौजूद महिला जिलाध्यक्ष रीना सिंह, किरण गिहार, उषा दुबे, आकाश बाबू कटियार, दीपक कुमार, सुनील कुमार, पुष्पेंद्र पांडे आदि। आइए सुनाते हैं क्या हमारे संवाददाता ने बात की है। कन्नौज से जिला संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। आज प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, इसको लेकर है जो कंपनियां रुपया लेके भाग गई हैं। पल्स कंपनी कही जाती थी, कन्नौज में कई उनके एजेंट भी थे। ये देखिए किस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर लोग मौजूद भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर सब कांग्रेस के नेता, कुछ लोग पैसे जिसके गए हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं उनका कितना रुपया गया है या सुनाते हैं उनसे क्या कहना है उनका। उत्तर प्रदेश की प्रभारी क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज पर है। पंकज जी क्या हुआ, आप लोग कांग्रेस वालों संग साथ में आए हैं? इन्होंने हमारी उधर उधर हाँ ये हमारे साथ में इधर निकल आए हैं, इनसे बात करते हैं। हमारा नाम पंकज गुप्ता। पंकज जी क्या आपकी बात रखने आए हैं, कांग्रेस के लोग आए हैं, सपोर्टर है आपके, ये लोग आए हैं, क्या आपकी बात? हमारी बात है ये लोगों ने साथ है, इसका मुद्दे को ये लोग उठा रहे हैं। पूरे प्रदेश में गरीबों का मुद्दा ये उठा रहा है और कोई नेता नहीं उठा रहा। तो क्या हुआ, आप आए यहाँ पर कुछ पैसा पल कंपनी तो चली गई कल, जब लोडा समित है कोई पले तो आई नहीं साहब, लोडा समित है उनका आदेश हो गया, जमीन बेचेंगे पैसा देंगे, लेकिन ये नहीं सब खजाना पैसा जमा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा था। अरे कुछ लोग खाते भी पैसा आ रहे हैं? नहीं आ रहा भैया, हम दौड़ते दौड़ते पस्त हो गए और सहारा का भी पैसा दौड़ते दौड़ते पस्त हो गए। तो आप कितने रुपए हैं? हमारा 28,000 इसमें है पल्स में और 10,000 रुपया इसमें एफडी था साल भर का, सहारा बैंक में है। कहते बनर्जी साहब जेल में है, जब बुआएंगे तब मिलेगा साहब। हम बहुत बेर परेशान हो चुके, 5 साल साहब हो गए, हमको पैसा नहीं मिला। इनसे बात कर, क्या नाम है? सुनील कुमार रावत जी। हमारा जो है सहारा में 5 लाख रुपए जमा है और 19 में पूरा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई मैच्योर नहीं। अभी लड़की की शादी होनी, उसने उन्होंने मांगा है कि हमें कार्ड वगैरह दिए जाए, उसके बाद हम व्यवस्था बनाएंगे। और कुछ लोग तो करे खाते पैसे भी आ रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत बोल रहे। हमारा 2019 में मैच्योर हो चुका था। और 5 लाख सब मिला के, और हम यहाँ जिला कांग्रेस के महासचिव भी हैं पार्टी के, और ये पैसा अपना मतलब डाक के हमने पत्र अपने। तो अभी तक अधिकारी आए हैं कोई? नहीं नहीं कोई अधिकारी वगैरह कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी कोई बात नहीं। अभी हमने कल डाक दिया, ये कब तक जारी रहेगा? चलता रहेगा जब तक ये मिलेगा नहीं, जब तक कांग्रेस अपना प्रदर्शन करती रहे। अगर नहीं मिलेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी करेगी? अपना धरना प्रदर्शन आगे जिला मतलब प्रदेश स्तर तक। महिला जिलाध्यक्ष ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।